नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक से ये इलेक्ट्रॉनिक का जो कंसेप्ट होता है मैं उसको बताऊंगा क्या होता है। तो ये देखिए मेरे पास एक सर्किट बोर्ड है, ये एक एलईडी का सर्किट बोर्ड है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, लाइट इमिटिंग डिवाइस होता है उसका है, इस डिवाइस का सर्किट बोर्ड है। और ये जो सर्किट बोर्ड आप देख रहे हैं ये एलईडी का सर्किट बोर्ड है। इसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर है, कॉइल है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये मॉस्फेट है, यहाँ ट्रांजिस्टर, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है। ये सब जो कंपोनेंट हैं वो किसी भी सर्किट बोर्ड में होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है उसमें ज़्यादा कंपोनेंट होता है, बड़े साइज में कंपोनेंट होता है। जो छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है उसमें छोटे साइज में कंपोनेंट होते हैं, उसमें कम कंपोनेंट होते हैं। किसी में एसएमडी में कंपोनेंट होता है, किसी में रियल साइज शेप में होता है। ये जो कंपोनेंट है ये सब रियल शेप में है, तो वो चाहे वो एसएमडी में हो, चाहे वो रियल शेप में हो, चाहे वो डेस्कटॉप का सर्किट बोर्ड हो, चाहे लैपटॉप का सर्किट बोर्ड हो, चाहे मोबाइल का सर्किट बोर्ड हो, चाहे टीवी का सर्किट बोर्ड हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा का सर्किट बोर्ड हो, चाहे वो इंडक्शन कुकर का सर्किट बोर्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर काटा जो वेइंग स्केल होता है उसका सर्किट बोर्ड हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड हो उसमें यही सब कंपोनेंट लगा होता है। और उन सभी का टेस्टिंग सेम होता है, उन सभी का आइडेंटिफिकेशन सेम होता है, उन सब का सर्किट सिंबल सेम होता है, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका जो ट्रांजिस्टर इसका टेस्टिंग अलग होगा, एलईडी का सर्किट बोर्ड है तो इसमें टेस्टिंग अलग होगा, और यही कंपोनेंट अगर लगा हुआ है इंडक्शन कुकटॉप में तो उसमें उसका टेस्टिंग अलग हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा में अगर ये सर्किट बोर्ड होगा इसमें उसका जो सीसीटीवी कैमरा में जो ये अगर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर जो डायोड जो लगा होगा उसका टेस्टिंग अलग हो जाएगा। वही डायोड कैपेसिटर का टेस्टिंग अगर दूसरे सर्किट बोर्ड में अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी जो कंपोनेंट हैं, जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी सर्किट बोर्ड में लगा हो, सबका जो टेस्टिंग है वो सेम होता है। तो इस तरह अगर बेसिक नॉलेज और एक बेसिक कंपोनेंट का अगर बेसिक नॉलेज हो जाता है तो आप किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्किट बोर्ड का रिपेयरिंग कर सकते हैं, आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरे अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, कुछ वीडियो जो थ्योरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल है, और जो वीडियो बाकी लग गया है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड उसको मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों मैं आज कुछ कंपोनेंट को बताऊंगा, कुछ कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, उसका टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये एनपीसी कैपेसिटर है, इसको नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोला जाता है, एनपीसी बोला जाता है, या पॉलिस्टर कैपेसिटर भी कोई कोई इसको बोलता है, सेम दोनों का सेम नाम है, मतलब दोनों नाम इसी का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ये भी कैपेसिटर ही है, इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं या पीसी कैपेसिटर बोलता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर, या इसको कोई कोई कंडेंसर भी बोलता है। सब मतलब नाम अलग अलग है, कई अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन ये सेम कंपोनेंट होता है। तो आज मैं कैपेसिटर के बारे में ही बताता हूँ। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर नहीं, इसको नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, एनपीसी बोलते हैं। इसका जो टेस्टिंग होता है या इसको जब सर्किट बोर्ड से बाहर निकाल कर टेस्ट करेंगे तो उसके लिए मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करना पड़ेगा, और मल्टीमीटर को प्रोब को इस जो कैपेसिटर है इसके दोनों पिन पर टच करेंगे तो क्या होगा, कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। फिर मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज कर देंगे, उलट देंगे, अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्रोब रखे थे और यहाँ पे नेगेटिव, तो अब दोबारा बार में जब चेक करेंगे तो मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज कर देंगे, नेगेटिव को जब पॉजिटिव, पॉजिटिव को जब नेगेटिव रखकर चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। मतलब अगर पहले पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, तो पहले चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, फिर मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करके चेक करेंगे तो भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। तो ये कैपेसिटर क्या है, जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है वो ओके होता है, अगर बीप करेगा तो ये शॉर्ट है, ख़राब है, फॉल्टी है। अगर दोनों साइड से, अगर मतलब एक साइड से जैसे चेक करेंगे फिर मल्टीमीटर के प्रोब को उलट कर चेक करेंगे, मतलब
चेंज करके चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, तो ओके है। उसी तरह यहाँ पे ये जो है ये पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें क्या होता है कि इसको चेक करते हैं पर इसमें प्लस और माइनस का सिंबल दिया हुआ रहता है, तो प्लस में प्लस और माइनस के माइनस जहाँ पे है वहाँ पे माइनस प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर का, मतलब ब्लैक वाला प्रोब रखेंगे और उसको चेक करेंगे तो क्या करेगा, पहले कुछ रीडिंग शो करेगा, उसके बाद में कुछ देर के बाद वो रीडिंग आकर एक पर रुक जाएगा, मतलब वन केवल शो करेगा, उसके बाद कोई रीडिंग नहीं आएगा। फिर मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करेंगे, अगर पहले माइनस पर माइनस पर ब्लैक प्रोब और प्लस पिन पर अगर रेड प्रोब रखे थे तो अब क्या करेंगे उसको चेंज कर देंगे, मतलब कि जहाँ माइनस प्रोब रखे थे वहाँ पे प्लस प्रोब रखेंगे और जहाँ पे प्लस प्रोब रखे थे वहाँ पे माइनस प्रोब रखेंगे, इसके पिन को चेक करेंगे तो क्या करेगा, फिर वही सेम वैल्यू शो करेगा, पहले कुछ रीडिंग देगा और फिर बाद में वन पर आकर रुक जाएगा, मतलब उसके बाद वन पर आने के बाद स्टेबल हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर दोनों साइड से सेम अगर करता है, मतलब मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करने पर भी वैसा ही रीडिंग शो करता है और तो क्या है कि ये जो है ओके है। अगर चेक करने पर क्या है कि इसके जो दोनों मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे तो इसका जो दोनों पिन है वो बीप करेगा, तो ये क्या है, ये ख़राब है, इसको फॉल्टी बोलते हैं, ये ख़राब है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा है कि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीमीटर से चेक करने पर ये तो रीडिंग शो करेगा, सही भी दिखाएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये फूल जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, तो उस समय ख़राब होता है। तो ऐसे विजुअली भी चेक किया जाता है, विजुअली देखेंगे अगर ये फूला हुआ है, डैमेज दिख रहा है, जला हुआ दिख रहा है तो ये ख़राब है, वो मल्टीमीटर से अगर सही वैल्यू भी दे रहा है फिर भी ये ख़राब है। अगर ये देखने में सही है, कहीं से फूटा हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, डैमेज नहीं है, तो मल्टीमीटर से इस तरह इसको टेस्ट करते हैं कि दोनों साइड से सेम वैल्यू शो करेगा और एक पर आकर रुक जाएगा तो ओके रहेगा। इस तरह इसका टेस्टिंग करते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं और जो कंपोनेंट है उसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो दिखलाऊंगा, आपको बनाकर बताऊंगा इसका टेस्टिंग क्या होता है, इसका कंपोनेंट क्या, इसका जो डिनेटिंग लेटर क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।